नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है कंप्यूटर सेंटर। आप अपना नया कंप्यूटर सेंटर खोलने जा रहे हैं, या आपका अपना कंप्यूटर सेंटर पहले से है, या आप अपने कंप्यूटर सेंटर को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आज मैं आपको साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी कंप्यूटर सेंटर के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो आपका कंप्यूटर सेंटर है वो सड़क के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। आपने अपने कंप्यूटर सेंटर का जो फ्रंट में बोर्ड लगाना है, या फिल्म लगानी है, या पोस्टर लगाना है, उसके जो कलर होने चाहिए वो रेड कलर, मैरून कलर, पीच कलर, येलो कलर, क्रीम कलर ही होने चाहिए। सिर्फ इन कलर से ही आपने अपने बोर्ड को तैयार करना है, अपने फिल्म को तैयार करना है, या आप अपने यहाँ पर जो नाम लिखवाते हैं उसके अंदर सिर्फ यही कलर आने चाहिए। आपके यहाँ जो एंट्रेंस डोर है वो साउथ में साउथ ईस्ट की ओर ही बनाना है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस, आपके स्टाफ की एंट्रेंस और जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे उनके एंट्रेंस बन जाती है। अब बात करते हैं रिसेप्शन की। रिसेप्शन आपने कहाँ बनानी है? रिसेप्शन आपने साउथ की दीवार के साथ रिसेप्शन बनानी है। यहाँ पर रिसेप्शन की चेयर आ जाएगी और यहाँ पर जो बच्चे मिलने वाले आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं उनके लिए सिटिंग हो जाएगी। आपके यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ पर भी वेटिंग एरिया बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस आपने कहाँ बनाना है? ऑफिस आपने साउथ वेस्ट में बनाना है। ओनर की सिटिंग हमेशा ही साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। यहाँ पर जो एंट्रेंस करनी है वो ईस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट के भाग से आपने एंट्रेंस करनी है, डोर लगाना है। ओनर की जो टेबल है वो साउथ की दीवार से टच करती हुई बनेगी और ओनर का जो फेस होगा वो ईस्ट की ओर होगा। इसी के साथ एक अलमारी भी जरूर लगानी है। जो अलमारी लगानी है वो साउथ वेस्ट के भाग में साउथ की दीवार के साथ लगानी है। जो पेरेंट्स, जो बच्चे ओनर से मिलने के लिए आएंगे उनके लिए विजिटिंग चेयर यहाँ पर बन जाएगी। और आपका ऑफिस का साइज़ बड़ा है तो आप इसमें एक सोफ़ा भी लगा सकते हैं। वो सोफ़ा आपने नॉर्थ की दीवार के साथ लगाना है। अब बात करते हैं मंदिर की। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने साउथ ईस्ट जोन में ही बनाना है। यहाँ पर आपका मंदिर बन जाएगा। आपका अपना कंप्यूटर सेंटर है, उसके लिए आपको एक तो प्रैक्टिकल रूम बनाना पड़ेगा और एक थ्योरी रूम बनाना पड़ेगा। इसमें आपके यहाँ दो रूम है, इसमें एक प्रैक्टिकल रूम बनाना है आपने और एक थ्योरी रूम बनाना है। जो प्रैक्टिकल रूम बनाना है उसके अंदर आपके कंप्यूटर लगने हैं और वो प्रैक्टिकल रूम जो बनाना है वो आपने ये वाला रूम बनाना है। इसकी जो एंट्रेंस है वो आपने सेंटर के भाग से करनी है। इसमें कंप्यूटर के लिए जो टेबल लगानी है वो टेबल आपकी इस प्रकार आपके अपने कंप्यूटर टेबल लग जाएंगी और एक टेबल पर दो बच्चों की सीटिंग बन जाती है। सभी बच्चों का जो फेस है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर होगा। यहां पर आपका एक स्टाफ का मेंबर बैठेगा जो सभी बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेगा।
इस प्रकार आपके प्रैक्टिकल रूम की सीटिंग और सेटिंग सही हो जाती है। अब बात करते हैं थ्योरी रूम की। थ्योरी रूम आपने कैसे बनाना है। थ्योरी रूम का जो डोर है वो आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है और यहाँ पर जो टेबल लगानी है टेबल आ जाएगी और जो बच्चों को पढ़ाने वाले जो फैकल्टी है उसकी सीटिंग यहाँ आ जाएगी और जो बच्चे बैठेंगे उनकी जो सीटिंग है यहाँ पर आ जाएगी। अब थ्योरी रूम में एक प्रोजेक्टर भी लगाया जाता है जिस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो प्रोजेक्टर लगेगा वो आपका साउथ वॉल पर आ जाएगा और जो स्क्रीन आएगी वो उसकी नॉर्थ वॉल पर आ जाएगी। जब प्रोजेक्टर पर काम करना है फैकल्टी का फेस प्रोजेक्टर की तरफ भी हो जाएगा और बच्चे अपनी चेयर घुमाकर प्रोजेक्टर की ओर फेस कर लेंगे। इस प्रकार से सेटिंग करने से आपका जो थ्योरी रूम है वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। अब बात करते हैं टॉयलेट की। नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपकी टॉयलेट बन जाती है और यहाँ पर आपका डोर आ जाता है। इसमें जो टॉयलेट की शीट है वो टॉयलेट की शीट साउथ वॉल पर लगानी है और वॉश बेसिन नॉर्थ वॉल पर लगाना है। बीच के भाग में आपकी शाफ्ट बन जाती है और बच्चों के लिए जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपकी ये बन जाती है। इसमें जो डोर है वो यहाँ पर आ जाएगा और टॉयलेट शीट जो आएगी वो आपकी साउथ वॉल पर आ जाएगी नॉर्थ की ओर फेस करते हुए। इसमें यूरिनल लगाने हैं तो आप दो यूरिनल यहाँ लगा सकते हैं और वॉश बेसिन जो आपने लगाना है वो वॉश बेसिन आपका यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं पीने के पानी की। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है। पीने का पानी आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर रखना है। यहाँ पर आप अपना वाटर कूलर भी रख सकते हैं, डिस्पेंसर भी रख सकते हैं और म्यूर जग रखना चाहिए तो आप वो भी रख सकते हैं। यदि आप म्यूर जग रखते हैं तो म्यूर जग का जो कलर है वो स्काई ब्लू कलर ही होना चाहिए। आपके यहाँ सीटिंग और सेटिंग इस प्रकार होती है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। आपका अपना कोचिंग सेंटर बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप मेरी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियो है उन सब की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।